बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या वृद्धि पर सेक्स एजुकेशन को समझाने के लिए कुछ ऐसा बयान दे दिया जिस पर उनकी आलोचना होने लगी। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने लड़कियों को लेकर सेक्स एजुकेशन पर अजीबोगरीब बयान से लोग भड़के हैं। सदन में बैठे विधायक शर्म से पानी हो गए, सदन में बैठी महिलाएं विधायक बुरी तरह से झेप गई तो पुरुष विधायकों ने भी नजर झुका ली। देखिए कैसे नीतीश सेक्स एजुकेशन पर ज्यादा डिटेल में चले गए। तो दरअसल नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा सदन में जो बयान दिया गया उसको लेकर अब हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा सदन में नीतीश कुमार अगर जनसंख्या वृद्धि को लेकर बयान दे रहे थे तो इस तरह से वो आखिरकार इस बेशर्मी जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है उसको लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है। जातिगत जनगणना पर बहस के दौरान नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसमें महिला विधायक जो है वो काफी ज्यादा झेप गई और पुरुष विधायक जो उनके आसपास भी बैठे थे वो भी शर्म से पानी पानी हो गए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से। बात है जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, उसको बाहर कर दो, करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, उसको बाहर कर दो, करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। तो इस बयान को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान सदन में क्या शोभा देता है? जिस तरह से वो बयान देते हुए नजर आए जब बात हो रही थी जनसंख्या वृद्धि को लेकर, तो क्या इस तरह का बयान देना और वो भी सदन के अंदर किस तरह से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए नीतीश कुमार? और जब वो बयान दे रहे थे वो खुद हंसते हुए नजर आ रहे हैं, आसपास विधायक देखिए किस तरह से हंसते हुए दिख रहे हैं। और इसी वक्त इसी सदन में महिलाएं जो है, महिला विधायक जो है वो भी मौजूद थी और जो बयान देने में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर तमाम सवाल जो है वो अब नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं। कुछ महिला विधायकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किस हद तक ठीक है और क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। तो 20 सदन में नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया है, ये महिलाओं की तरफ से अब कहा जा रहा है। और खुद नीतीश कुमार जब ये बयान दे रहे थे तो वो हंसते हुए नजर आए। अब तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होंगे और जो महिला विधायक हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है, सुनिए। बता दे, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी नीतीश के इस बयान की घोर निंदा कर रही है और नीतीश कुमार से माफी मांगने को बोल रही है, सुनिए। अब ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा आप लोग भी क्षमा करिए। इस प्रकार का देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बोला होगा कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात में, अब क्षमा चाहिए।
क्या क्या करता है ये सदन के फ्लोर पर सीएम ने बोला है। सीएम अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनकी यादाश्त खो गई है, इन पर एज का प्रभाव दिखने लगा है। वो तो आज आप लोगों को भी साफ दिखा होगा कि अब इनको पद त्याग देना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं, अब गरिमा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की अमर्यादित शब्द सदन में या इस प्रकार की भाषा एक संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाए, जैसे आदमी का नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सट आ जाता है, वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आप जनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए, इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग हम लोग विरोध करेंगे, इसका विरोध हम लोग करेंगे।